बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस जी हाँ, एक बार फिर मैं लेके आई हूँ बिग बॉस ओटीटी की लेटेस्ट अपडेट्स। आज बात करेंगे डे 12 की। घर में अगले बॉस लेडी और बॉस मैन के लिए हुआ कड़ा मुकाबला। बिग बॉस ओटीटी के घर में एक और संगीतमय सुबह होती है। घर के सदस्य अलग अलग ग्रुप्स में बैठ कर बातें करते हैं। बिग बॉस घर वालों से पूछते हैं कि सभी सदस्य आपस में फैसला लें और बताएं कि घर के अगले बॉस लेडी और बॉस मैन की रेस से बाहर रखना चाहते हैं। इस पर घर वाले राकेश बापट और शमिता शेट्टी का नाम लेते हैं। रिद्धिमा पंडित बिग बॉस की चिट्ठी पढ़कर बताती है कि अब घर के अगले बॉस लेडी और बॉस मैन के लिए टास्क होना है। वह चिट्ठी पढ़कर टास्क नियम बताती है। टास्क शुरू होता है और घर वाले अपनी ताकत लगा देते हैं। राकेश बापट और समिता शेट्टी टास्क में संचालन करते हैं। बीबी फैक्ट्री टास्क के संचालक राकेश बापट और समिता शेट्टी फैसला लेते हैं कि पहले राउंड में अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल बाहर हो जाते हैं। पहले राउंड से बाहर होने से पहले अक्षरा और प्रतीक दोनों संचालकों से अपनी बात रखते हैं, लेकिन वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। पहला राउंड खत्म हो जाने के बाद सदस्य दूसरे राउंड को लेकर प्लानिंग करते हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है और कनेक्शन ब्लॉक इकट्ठा करते हैं और दूसरे कनेक्शन के नाम ब्लॉक से लिखना शुरू कर देते हैं। टास्क के बीच में निशांत भट्ट और नेहा भसीन मस्ती करते हैं। घर के कनेक्शन के द्वारा ब्लॉक से लिखे गए नाम को राकेश बापट और समिता शेट्टी चेक करते हैं। दूसरे राउंड में संचालक रिद्धिमा पंडित और करण नाथ के कनेक्शन को बाहर करते हैं। वहीं दूसरे राउंड में प्रतीक सहजपाल की शमिता के साथ नियमों को लेकर बहस होती है। बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि उनके प्रदर्शन से जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए उन्हें अगले दिन की दिनचर्या पर फर्क पड़ेगा। बिग बॉस बताते हैं कि अब उनको अगले दिन गैस की सप्लाई में कटौती होगी और सिर्फ 4 घंटे के लिए गैस मिलेगी। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मिलेगी।